हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डी आर टी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की कि आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन इलाकों में होने वाली है बारिश की गतिविधियां। साथ ही बात करेंगे वर्तमान में आए WD के प्रभाव से राजस्थान के किन किन इलाकों को प्रभावित कर सकता है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक WD वर्तमान में इस सीजन का पहला WD देखा जाए तो उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। इसी के प्रभाव से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लगाकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आपको बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी और इसी के प्रभाव से आने वाले एक सप्ताह तक देखा जाए तो उत्तर भारत में काफ़ी घना कोहरा और तेज सर्दी का सितम भी आपको देखने को मिलेगा और कहीं कहीं मध्यम से तेज तो कुछ हल्की बूंदाबांदी राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं। और इसी WD के प्रभाव से देखा जाए तो एक सर्कुलेशन वर्तमान में पाकिस्तान के मध्य भागों के आसपास बना हुआ है और पश्चिमी जैर धारा का दक्षिण सिरा की बात करें तो दक्षिण राजस्थान से होते हुए उत्तरी गुजरात के इलाकों से लगाकर पूर्वोत्तर भारत तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में इसी WD के प्रभाव से आपको काफी घने बादलों का निर्माण देखने को मिल सकता है। परंतु ज्यादातर इलाकों की बात करें तो मौसम मुख्यतः आपको साफ देखने को मिलेगा। बारिश की गतियों की बात करें तो उत्तरी भारत के कई इलाकों में भी बारिश की गतियां संभावित हैं। बाकी संपूर्ण मध्य भारत में देखा जाए तो मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के एक दो इलाकों में बारिश की गतियां हल्की बूंदाबांदी के रूप में जरूर देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का मौसम बना हुआ है। बादलों की गतिविधियों की बात करें तो जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर से लगाकर कोटा के आसपास भी काफी घने बादलों को देखने को मिल सकते हैं। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो श्रीगंगानगर के इलाकों में आपको बारिश की गतियां कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के रूप में आज आपको देखने को मिल सकती हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार की बारिश की गतियां रह सकती हैं। विशेषतः देखा जाए तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के आसपास के इलाकों में बारिश की गतियां संभावित हैं। बाकी संपूर्ण राजस्थान में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। आज दोपहर के बाद हल्की बादलों की कमी देखने को मिलेगी, परंतु आज रात से फिर से इन क्षेत्रों में बादल बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और कल सुबह से इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः आपको शुष्क और साफ देखने को मिलेगा। और 1 या 31 दिसंबर के आसपास देखा जाए तो 1 जनवरी से इन क्षेत्रों में काफी घना कोहरा और काफी तेज सर्दी की शुरुआत देखने को मिलेगी। काफी इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी और इस साल का सबसे ठंडी रात भी आपको इसी हफ्ते देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।